अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको जो बाज़ार में हार्ड केक मिलता है वो बनाना सिखाऊंगा। इसे बनाना बहुत आसान है लेकिन खाने में उतना ही मज़ेदार है। सेम आपको वही फ्लेवर आएगा जो आप बाज़ार से खाते हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये स्पंज तैयार करके रखा हुआ है, देखिए कितना सॉफ्ट है। और ये मैंने तवे पर बनाना आपको सिखाया हुआ है, आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है। मैंने जो बंटी केक आपको बनाना सिखाया है तो आपने तवे के ऊपर से केक को बेक कर लेना है। आपने क्या करना है, 1 कप आपने मैदा लेना है, 1/2 कप आपने घी लेनी है और 1/2 कप आपने पिसी हुई चीनी लेनी है, 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है और 1/2 वेजिटेबल घी लेना है या ऑयल लेना है। उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फिर आपने किसी 8 इंच पैन में डालकर नीचे पेपर बिछा कर बटर लगा कर मक्खन, तो इसे आपने आधे घंटे के लिए मीडियम लो के ऊपर तवे के ऊपर बेक कर लेना है। तो आप बंटी केक मेरे देखिएगा तो उसमें मैंने आपको जो जैसे सिखाया है वैसे ही ये तैयार होगा। और मैंने ये यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने पाइनएप्पल जैम लिया है, 5 मैंने पिस्ते लिए और 5 से 6 मैंने बादाम लिए, इसे मैंने बारीक काट लिया है। चलें दोस्तों इसे असेंबलिंग करते हैं। अब इसका मैं 2 ऑप्शन है, आप इसे दरमियान से भी काट सकते हैं, दरमियान से काट के दरमियान में भी आप जैम लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा और फिर आप टॉप पे लगाएंगे। चलिए मैं इसे 2 हिस्से में तकसीम करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सैंडविच जो हार्ड सैंडविच है उस पैटर्न में आपको बनाना है, इसे खाता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसे हाफ करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों मैंने नाइफ के साथ इस किस्म की आपने दानेदार नाइफ लेनी है, इसे आपको काटने में आसानी होगी। मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब हम इसके दरमियान में जैम लगाएंगे और फिर इसके ऊपर ये टॉप इसका रख देंगे। तो मैं जैम लगाता हूँ, ये पाइनएप्पल जैम है, इसे थोड़ा थोड़ा आप लेके इसके ऊपर लगा दें ऐसे। आप इसे सिंगल लेयर्स में भी बना सकते हैं लेकिन मैं डबल लेयर बना रहा हूँ, वो ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा फ्लेवर देगा। यानी सिंगल लेयर से बना दें जी, आप जस्ट बादाम को इसमें मिक्स करें और फिर आप इसे लगा दें। नहीं जी दोस्तों ये हो गया। अब ये जो रिमेनिंग इसका टॉप है इसके ऊपर लगा दें ऐसे, इसे प्रेस कर दें। और अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर हम उसमें बादाम पीस पिसे बादाम और पिस्ते डाल के अपने स्टॉप के ऊपर डाल देंगे। चलो दोस्तों इसे मैं माइक्रोवेव ओवन करता हूँ। लें जी दोस्तों मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करी है, देखें ये मेल्ट हो गया। इसे एहतियात से आपने करना, अदरवाइज आपके बर्न ना हो जाए। अब आपने इसमें ये पिसे बादाम कटे बादाम पिस्ते और इसमें डाल दें, बादाम पिस्ते जैम में डाल दें, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब आपने इसे इसके टॉप पे लगा देना है ऐसे फैला के थौली हर जगह के ऊपर। दोस्तों ये वाला केक आपको मार्केट में 500 से 600 रुपए में मिलता है और देखें ये कितने आसानी के साथ हमने घर पे तैयार कर लिया है। और टेस्ट आपको ये वही देगा जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं। चलो दोस्तों कि मैं अच्छे तरीके से लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट प्रेजेंटेशन इसकी। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार पाइनएप्पल फ्लेवर पिस्ते बादाम वाला नट्स वाला हार्ड केक तैयार है, हार्ड पाउंड केक तैयार है जो मार्केट से आपको मिलता है बहुत ही महंगा और हमने घर में बहुत आसानी से ऐसे बना लिए। उसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे इस वीडियो को अब लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आई है। और मेरा जो है बेल आइकॉन ऐसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और इसकी जो स्पंज की रेसिपी है वो हमने एज इट वही बनानी है जो बंटी केक की मैंने बनाई है, तो आप मेरी वीडियोस में आपको दे सकते हैं कि मैंने इसका स्पंज कैसे बनाया था। मैंने इसमें आपको बता भी दिया है मैंने इसमें क्या क्या डाला है। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।